नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट हैं। अगले महीने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाना है और इस मुकाबले से पहले कई तरह की बातें हो रही है। माना जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजी अटैक के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित ट्रेंट बोल्ट हो सकते हैं, क्योंकि बोल्ट का रिकॉर्ड भारत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा रहा है। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले हम आपको आंकड़े दिखाते हैं और फिर आगे की बात जारी रखते हैं। ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा जाएंगे और जब रोहित शर्मा के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि रोहित शर्मा एक ही बार न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे साल 2014 में। तब रोहित ओपनिंग नहीं किया करते थे टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने बोल्ट के 55 गेंद पर 18 रन बनाए थे और एक दफ़ा आउट हुए थे। फिर साल 2016 में भारत में घरेलू टेस्ट सीरीज खेली गई। इस दौरान रोहित शर्मा ने बोल्ट की 59 गेंदों में 39 रन बनाए और अपना विकेट नहीं गंवाया। अब तक टेस्ट क्रिकेट में बोल्ट की 114 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं और सिर्फ एक मर्तबा आउट हुए हैं। लेकिन लिमिटेड ओवर में रिकॉर्ड कुछ और ही कहता है। रोहित शर्मा ने बोल्ट की 137 गेंदों का सामना करते हुए 89 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 65 का रहा है और 4 मर्तबा रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, जबकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ट्रेंट बोल्ट का पलड़ा रोहित शर्मा के खिलाफ भारी रहा है। 11 गेंदों में रोहित शर्मा ने भले ही 15 रन बनाए लेकिन 2 बार ट्रेंट बोल्ट ने रोहित को पवेलियन भी भेजा है। इस दौरान 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। कुल मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 मर्तबा ट्रेंट बोल्ट ने रोहित शर्मा को आउट किया है और हाँ, IPL में एक बार बोल्ट ने रोहित को आउट किया है। इस दौरान ट्रेंट बोल्ट की 13 गेंदों में 14 रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। तो साफ तौर पर पता चलता है कि बोल्ट के खिलाफ रोहित शर्मा सुस्त पड़ जाते हैं। रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 8 मर्तबा कुल मिलाकर अब तक आउट भी हो चुके हैं, पर न्यूजीलैंड के इस लेफ्ट आर्म पेसर का दबदबा भारत के हिटमैन के खिलाफ जरूर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार रोहित शर्मा बोल्ट के खिलाफ रन बना पाएंगे? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे वन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।